अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने रिलेटिव के यहाँ वेडिंग में जा रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड यहाँ देखें, सिम्बा मम्मी की ज्वेलरी पहन के कितना प्यारा लग रहा था, एकदम मेरा गुड्डा गुड़िया की तरह से लग रहा था। और देखें कैसे चुपचाप पहन भी ले रहा था जब मैं उसको पहना रही थी, और माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा और मम्मी का आज का आउटफिट है। ये मेरी कुर्ती है, ये ऊपर से नीचे तक इसमें पूरा वर्क है, सिर्फ आगे है। और दूसरा ये मेरा गरारा है, तो गरारे पे भी ऐसा वर्क है पूरे में। और साथ में ये इसका दुपट्टा है, मुझे इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है। दुपट्टे भी पूरा ऐसे ही वर्क है। एंड ये ऐसा कॉलर वाला है, तो ये ऐसे रहता है। और फिर ये मम्मी की कुर्ती है, ये पूरा वर्क है, सिर्फ आगे है इसमें भी। फिर ये इसका गरारा है, एंड इसका दुपट्टा हल्का है। तो ये मम्मी की ड्रेस है। फ्रेंड्स, ये ज्वेलरी है जो आज मम्मी अपनी कुर्ती के साथ पहनेंगी, एंड उनकी कुर्ती में मैच भी कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये ज्वेलरी आज मम्मी पहनेंगी अपनी कुर्ती के साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ, आगे जो कुछ भी होगा सब आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको एक बार अपना पूरा आउटफिट दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आउटफिट पहनने पे ऐसा लुक आता है इसका। एंड कुछ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब वर्क तो है लेकिन पहनने पे बहुत हैवी नहीं लगता है। और मेकअप भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि सच कहूँ मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना आता भी नहीं है। तो आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मेरी फूफी की बेटी है अदीफा, और देखिए माशाल्लाह छोटी सी गरारे में कितनी प्यारी सी लग रही है। जब नीचे आए तो सब लोग लगभग रेडी हो गए थे, और ये रानी चाची का आउटफिट था, और फेस तो नहीं दिखा सकते लेकिन सब बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर ये बेबी चाची का आउटफिट है, और ये गाउन है, और ऊपर से इसमें श्रग है। और लाड़े चाचा सबको जल्दी करने को कह रहे थे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट थे। फिर ये सोनी फूफी का आउटफिट है, और ये लॉन्ग कुर्ती है, और इसके साथ इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा सा है। और मम्मी का आउटफिट ऐसे तो मैंने आपको दिखाया था, एंड देखिए पहनने पे इसका इस तरह से लुक आता है। ये तनु फूफी का आउटफिट है, इसमें नीचे गरारा है और ऊपर इसमें फ्रॉक डिज़ाइन में कुर्ती है। उसके बाद ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम लोग दादी से मिलकर निकल गए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट थे। फिर आके मैंने बाहर थोड़ी सी वीडियो शूट की, क्योंकि डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्यारा था बाहर का। और इधर अदीफा अंदर आते ही स्टेज पे चढ़ के बाकी बच्चों के साथ खेलने लगी थी। लगी है। हाँ, सो रही है। एंड देखें, नाश्ता ही इतना सारा आ गया था कि फिर जब खाने का टाइम हुआ ना, तो हम लोग को खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम लोग ने ज़बरदस्ती खाना खाया था, क्योंकि हम लोग का पेट बिल्कुल फुल था, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। देखें, हॉल अच्छा खासा बड़ा है, और बाहर भी बहुत अच्छा ज़्यादा सा एरिया है। एंड मोनू चाचा की शादी भी यहीं से हुई थी, लेकिन तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। और आज सना चाची के बहन की वेडिंग है। इधर देखिए, सलाम कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। एंड देखें, इतने सारे नाश्ते में पिज्जा की ही कमी थी, तो वो भी आ गया। वो चाहिए थोड़ा। देखिए, यहाँ पे बेबी चाची मनाल को उठाने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मैडम जी हैं, इनको तो उठने का नाम ही नहीं लेना था। और मनाल का आउटफिट तो सबसे प्यारा है, और मैं आपको दिखाना भी भूल गई। और ये देखिए, साथ में मैचिंग सैंडल्स भी है, और कितनी प्यारी सी लग रही है मनाल इस फ्रॉक में, माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह, मेरी छोटी सी दूसरी डॉल कितनी प्यारी है। और पहले जब मैंने व्लॉग में दिखाया था, तो उस वक्त तो बहुत छोटी थी, अब माशाल्लाह बड़ी हो गई है। यहाँ मैं मम्मी के बैंगल्स का एक शॉट ले रही थी। फिर मोनू चचा आ गए थे, और मोनू चचा भी बहुत स्मार्ट लग रहे थे, एंड हंस नहीं रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप स्माइल दीजिए, तो इतनी सी स्माइल निकली।
यहाँ देखिए मनाल भी फ्रेश हो गई थी, उड़ गई थी और फिर खा पी भी रही थी। और माशाल्लाह कुछ दिनों में मनाल एक साल की होने वाली है, 2-3 दिनों में। और अब माशाल्लाह खड़ी भी होने लगी है, लेकिन इस ड्रेस में वो इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी कि आराम से खड़ी हो जाए, सैंडल्स में नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए वो गिर जा रही थी। बाद में देखिए मनाल का ड्रेस भी चेंज करा दिया गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी ड्रेस था और वो परेशान हो रही थी उसमें। एंड यहाँ मदीहा आराम से सो रही थी। एंड फ्रेंड्स, ये अच्छा है ना कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो आपके पास एक स्ट्रॉलर ज़रूर होना चाहिए, कि बेबी भी आराम से कंफर्टेबल रहे एंड साथ में उसके पेरेंट्स भी आराम से कंफर्टेबल रहे। अब यहाँ पे सना चच्ची भी फ्री थी एंड मदीहा भी कंफर्टेबल थी। फिर यहाँ मैंने एक छोटा सा शॉर्ट तनु पुप्पी के भी बैंगल्स का ले लिया था। फिर देखें बारात आ गई थी तो वो मैंने थोड़ा सा शूट किया था। यहाँ देखिए फैज़ान से एक इंसान ने आइसक्रीम मंगाई थी और वो इतनी सारी ले आया था, हम लोग को शर्म आ रही थी कि सब कहेंगे कि अपना आराम से बैठ के बच्चे से काम करवा रहे हैं ये लोग। ये देखिए मेरी गुड़िया को, और वहाँ पे तो इसको इस तरह देख के मुझे गुड़िया वाला फील ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल लग रहा था जो मार्केट में गुड्डा मिलता है ना, टकलू सा, और कपड़े भी बिल्कुल ऐसे ही पहना रहता है, तो एकदम वही लग रहा था। और आप लोग बताइए मैं सही कह रही हूँ कि गलत। फिर ये क्यूट सी गर्ल को देखें, ये बारात में साथ में आई थी और इतनी प्यारी सी थी कि सब लोग इसी को देख रहे थे। और सच में इसकी हरकतें भी इतनी अच्छी थी ना कि बस मन कर रहा था इसकी हरकतें देखते रहो। देखें इनका अपना अलग ही खिलवाड़ चल रहा था, इनको यही सब उठाना बैठाना पटकना बस पसंद है। और फिर फैज़ान स्टेज पर ले गया था थोड़ी देर मनाल को। एंड फ्रेंड्स, ये दूल्हे वालों की तरफ से रहता है और इसमें लावा छुआरा और एक दो चीज़ें रहती हैं, तो मुझे खाने में ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, बस मैं शौकिया ये पाउच ले लेती हूँ। फिर देखिए ब्राइड भी आ गई थी और समीना भी एज अ ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। जब वो नॉर्मली इतनी प्यारी लगती हैं तो एज अ ब्राइड तो वो और भी प्यारी लग रही थी। और मैंने पूरी समीना भी की एंट्री शूट की थी, लेकिन मेरे फ़ोन ने मुझे बहुत गलत टाइम धोखा दे दिया एंड कुछ भी शूट नहीं हो पाया था। फिर देखें सोनी पुप्पी ने मनाल को खड़ा किया, तो सब लोग मनाल की तारीफ़ कर रहे थे, तो देखें उसको भी अपने ऊपर इतनी ज़्यादा क्लैपिंग आ रही थी और माशाल्लाह कितनी खुश थी वो खड़े होके। एंड देखें माशाल्लाह कितने आराम से वो खड़ी है कि अब खड़ी हो जाती है, बस अब चलने की देर है। ये दूल्हे की कार जो कि बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट हुई थी। देखिए फैज़ान मुझे ज़्यादातर आइसक्रीम के साथ ही मिल रहा था। और बाहर हम लोग आए थे खाना खाने, लेकिन खाना खाने का मन किसी का भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि नाश्ता करके ही पेट भर गया था और बहुत ज़्यादा किसी का भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो बस थोड़ा बहुत जो भी खाना था तो बस वही खाने आए थे बाहर। एंड यहाँ पे ना ज़्यादा अच्छा लग रहा था अंदर के मुकाबले, क्योंकि आजकल लखनऊ में बारिश भी ठीक ठाक हो जा रही है और हवा भी खूब अच्छी चल रही थी, तो इसीलिए अंदर से ज़्यादा बाहर अच्छा लग रहा था। और फिर बहुत प्यारी सी जगह भी थी, ग्राउंड भी खूब बड़ा सा है, अंदर हॉल भी खूब बड़ा है और फिर ग्राउंड भी खूब बड़ा सा है। एंड देखिए हवा भी कितनी अच्छी चल रही है और ये चारों झूमर कितने प्यारे लग रहे थे। देखिए फिर हम लोग ने थोड़ा बहुत खाना ले लिया और मैंने सिर्फ वेज खाना लिया था, नॉनवेज कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था नॉनवेज खाने का। फिर खाना खा के सबसे मिल के हम लोग वहाँ से निकल गए। रास्ते में फ्रेंड्स फिर मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, रात के 2 बज गए थे, लेकिन जब मैं गोमती रिवर पहुँची तो मैं शूट करने से रोक नहीं पाई खुद को। मतलब देखें कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे आइसक्रीम के स्टॉल्स हैं और हर स्टॉल पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब 2 बजे भी लोग आइसक्रीम खाने आ रहे हैं। और ठंडी ठंडी हवा में आइसक्रीम खाने में कितना अच्छा लगता होगा, सामने नदी है, मुझे देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।